हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हाफिज़। आप देख रहे हो हिंदी टेक ट्यूट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मोबाइल से कोई कॉन्टैक्ट मिस्टेक से डिलीट करते हैं तो कैसे रिकवर कर सकते हैं देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए आप GT रिकवरी नाम का ऐप को इस्तेमाल कर सकते हो, पर देखिए उसके लिए आपका मोबाइल रूट होना चाहिए। पर आज मैं जो ऐप बताने जा रहा हूँ इसका नाम है डिलीटेड कॉन्टैक्ट्स, लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो ये देखिए, इसके लिए आपका मोबाइल रूट होना ज़रूरी नहीं है, आसानी से आप रिकवरी कर सकते हो। जैसे देखिए, मैं यहाँ अपने मोबाइल पर कॉन्टैक्ट्स ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ अजय नाम का एक कॉन्टैक्ट है, इसको प्रेस करता हूँ और यहाँ एक डिलीट बटन है ना, इसको दबा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो कॉन्टैक्ट है ना, इसमें से डिलीट हो जाएगा। तो देखिए, इसको मैं यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करके, ओके बटन प्रेस करके इसमें से रिमूव कर चुका हूँ। रिमूव करने के बाद देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, ये जो ऐप इंस्टॉल किए थे ना आप, इसको ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करते ही आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं ना, वो सारे कॉन्टैक्ट्स को यहाँ डिस्प्ले कर देगा। और बाजू में देखिए, यहाँ डिलीटेड है ना, इसको टैप करते ही आप जिस कॉन्टैक्ट को भी डिलीट कर चुके हो ना, उसका नाम यहाँ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, उसको प्रेस करके रखना है एक बार। ठीक है, तो इसको प्रेस करते ही क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक इस तरह देखिए, कॉन्टैक्ट रिस्टोर्ड सक्सेसफुली इस तरह एक मैसेज आ जाएगा। आने के बाद आप इसमें से बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद आप दोबारा से आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट ओपन करोगे ना, तो देखिए दोबारा से वो नाम यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह आप आसानी से कॉन्टैक्ट को रिकवर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन प्रेस करिए। फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, गूगल प्लस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को शेयर करिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।